नमस्कार, मैं आज ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान बंदरवाल बना रही हूँ जो मिनटों में बन जाएगा और आपके घर की शोभा बढ़ाएगा। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए ये तार, थोड़ा फ्लेक्सिबल सा होना चाहिए, ये टिश्यू पेपर है, सुई धागा, ये गोटा है गोल्डन कलर का, ये मोती प्लास्टिक के मोती की स्ट्रिंग्स हैं और ये कदीरे हैं, तो आप कोई सा भी डिजाइन का ले सकते हैं। अब ये तार मैंने आप अपने दरवाजे के हिसाब से, जितना लंबा दरवाजा है उस हिसाब से आप काट लीजिए, जितना चौड़ा, और ये नैपकिन लेकर इसको दो बार मोड़ लीजिए। अब इस पर ये गोंद लगाकर इस तार पर अब मैं लपेट दूंगी। तो इतना हिस्सा मैंने ये छोड़ दिया है, ये आप दरवाजे पे कील लगाकर उस पर लपेट सकते हैं बंदरवाल को रोकने के लिए। और ऐसे इसको लपेटते जाइए, ये ऐसा लगेगा टिश्यू लपेटने के बाद। अब ये गोटा लेकर और मैं इसको भी इसके चारों तरफ लपेट दूंगी, तो आप इस पर ग्लू लगाइए तार पर और थोड़ा थोड़ा करके लपेटिए तो आसानी से हो जाएगा। ऐसे करके तो मैं ये सारा ऐसे ही लपेट, गोटा लपेटने के बाद अब ये मैंने तीन लड़ी ली हैं मोतियों की, तो एक एक लड़ी लेकर और इसको मैं ऐसे किनारे से लेकर थोड़ा सा डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे करके ऐसे तार पे बांध दूंगे। तो पहले एक किनारे पे शुरू से बांध दीजिए, और फिर बीच में जहां पे आपको लगाना, जितने आपको ये लड़ी लगानी है उस हिसाब से आप कर लीजिए। ये मोती का करके ये ऐसे इसमें बन जाएंगे लूप्स। अब आप ये कलीरे लीजिए और सुई धागा इसके ऊपर के छेक में ऐसे डाल के और बीच में बांध दीजिए, हर एक ये लूप के बीच में। दो तीन गांठ जरूर बांध दीजिएगा जिससे खुले नहीं, और फिर गांठ के ऊपर थोड़े से गोंद जिससे बिल्कुल ठीक रहे, और ऐसे मैं ये बाकी भी इनमें बांध दूंगी। और ये जो बड़े वाले कलीरे हैं इनको मैं यहाँ जॉइंट पे ऐसे करके लगा देती हूँ, तो तरीका वही है सुई धागे से आप इसको कर लीजिए और उस पर बांध दीजिए।
और अब ये तैयार होकर ऐसे लगेगा, खूब सुंदर और बहुत ही आसान।